बलूचिस्तान में शदीद बारिश से तबाही, क्वेटा में नशेबी इलाके जेरे आब, सड़कें डूब गई, दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक, 20 से ज़ायद जख्मी, 40 से ज़ायद खानदान मुतासर। मच में 5 कानकुन सैलाबी रैले में बह गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। क्वेटा में बिजली के 95 फीडर स्ट्रिप कर गए। PDM में ज़िला इंतजामिया, लेविस और FC इमदादी कामों में मसरूफ। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान। मुल्क भर में मानसून का जबरदस्त स्पेल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नालालई की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा, नशेबी इलाकों में पानी जमा। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज के दस्ते गवाल मंडी पुल पर पहुंच गए, इलाके में कश्तियां भी पहुंचा दी गईं। एबटाबाद, हरीपुर और गिरदनवाह में भी बारिश। खलीज बंगाल से आने वाला मानसून का सिस्टम ताहाल सिंध में मौजूद, कराची वाले इंतजार ना करें, आज तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ इजलास की सदारत करेंगे। कौमी सलामती के मौजूदा मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल होगा। इजलास के लिए अपोजिशन लीडर और दोनों ऐवानों की सीनियर पार्लिमानी क़यादत को दावत दी गई है। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने CPAC लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया, उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है GPAC, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इमरान खान ने मुखालिफीन पर गद्दारी के इल्जामात लगाए, पिंकी पीरनी ने गद्दारी के ट्रेंड चलवाए, नवाज शरीफ CPAC लाया, इमरान खान GPAC यानी के गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर लाया। मरियम नवाज का लाहौर में जिमनी इलेक्शन के जलसे से खिताब, कहा फितना खान एक बार फिर पंजाब पर डाका डालना चाहता है लेकिन अवाम उसे मुस्तरद कर देंगे। लेडी पे जो इल्जामात लग रहे हैं हमें नहीं पता, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा। इमरान खान के फोन का ताल्लुक है जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी वायलेशन है। तनकीद करने वालों के खिलाफ साजिश का बयानिया, बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो का जवाब देने की बजाय PTI ने फोन टेप का मसला उठा दिया। शीरी मजारी का ऑडियो के फॉरेंसिक और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा इमरान खान और आजम खान की ऑडियो लीक हुई तो खामोश नहीं बैठेंगे। वफाकी वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब का रद्दअमल, कहा बुशरा बीबी बनी गाला में बैठ कर कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चलवा रही हैं। बुशरा बीबी की ऑडियो उन्हीं की हुकूमत में रिकॉर्ड हुई, ये चीज़ें सियासत में बहुत पहले से हो रही हैं, मेरा फ़ोन भी टैप किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला की प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने सिक्योरिटी मीटिंग में बताया कि मरासले में ये नहीं लिखा कि अमरीका इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहता है। वो जब नेशनल सिक्योरिटी में आए उसने आगे असद साहब, उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, उनसे मैंने पर्सनली बात भी की, उन्होंने कहा जी मैंने ऐसी बात कोई अच्छा। की नहीं। उन्होंने मतलब क्या कहा कि मैंने कैसी बात नहीं की, आपकी गवर्नमेंट को यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट निकालना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब का माहाना 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले ख़ानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान नहायत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल मौशी हालात के असर से बचाना अव्वलीन तरजीह रही है, मौशी हालात बेहतर होते साथ ही आपको मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज सेक्रेटरी काबीना और कानून को नोटिस जारी, अटॉर्नी जनरल से भी जवाब तलब, फरीकैन को 16 जुलाई तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। MQM रहनुमा बाबर गौरी इंसदाद दहशत गर्दी केस में बाकायदा गिरफ्तार, आज रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाबर गौरी को गुज़श्ता रोज़ वतन वापसी पर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। बाबर गौरी की बेटी ने सिंध हाई कोर्ट में वालिद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। कराची वाटर बोर्ड की नाहली, नॉर्थ कराची में नलकों से गंदा पानी आने लगा, सेक्टर 11E के रिहायशी अजियत से दो चार, कहते हैं शिकायत के बावजूद
बोर्ड ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ईद कुर्बा में चंद ही रोज बाकी, मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। किसी को बकरे की तलाश, किसी को बछड़े की, भारी भरकम जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज। किसी के कान लंबे तो किसी के सींग, चाल ऐसी के देखते रह जाएं, लेकिन कीमतें भी आसमान पर हैं। दुल्हा करोड़पति ना दुल्हन लखपति, बूरे वाला में खाना बदोशों की शाहाना शादी। लग्जरी गाड़ियों में बारात की एंट्री, नोटों की बरसात। ड्रोन कैमरे से कवरेज, खाने में मटन, मछली, चिकन और बहुत से चटपटे पकवान। दिलेरीश और शुजात का इशारा, बहादुरी वो जिसके एतराफ़ पर दुश्मन भी मजबूर। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, कारगिल मार्के के हीरो की शहादत को 23 बरस बीत गए। सवाबी में तकरीब, सिविल अस्करी हुकाम और शहीद के लवाहिकीन भी शामिल। शहीद के मज़ार पर फूल भी चढ़ाए गए, फातह खानी की गई। पाकिस्तान के नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 8126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। वो नांगा पर्वत की चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए।